हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है द रियल स्टोरी ऑफ भानगढ़ फोर्ट। तो आज आपको ये पूरी स्टोरी सुनने को मिलेगी। अगर जिस जिस को पता है कि भानगढ़ क्या है और कौन सी प्लेस है, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और अगर किसी को नहीं भी पता तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, फिर कमेंट भी लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। भानगढ़ में एक सुंदर रानी रहती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। रानी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक जाती थी। और भानगढ़ के किले में ही एक सिनाई नाम का पंडित मतलब तांत्रिक रहता था। वह अपने काले जादू से किसी भी तरह रानी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन रानी रत्नावती अपनी सहेली के साथ इत्र खरीदने गई। तो रानी रत्नावती एक इत्र देखती और उसे सूंघने लग जाती। तो ये बात तांत्रिक देख लेता है। तो फिर तांत्रिक काले जादू का इस्तेमाल करके एक इत्र बनाता है। तो फिर वो तांत्रिक इत्र बेच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ रानी रत्नावती के लिए। वो इत्र इतना शक्तिशाली होता है कि उसके एक भारी सूंघने पर रानी रत्नावती तांत्रिक के पास खींची चले आएगी। ये काले जादू का इत्र सिर्फ और सिर्फ रानी रत्नावती के लिए बनाया होता है तांत्रिक ने, ताकि रानी रत्नावती उस तांत्रिक के पास खींची चले आए। आइए आइए, इत्र लीजिए, इत्र इत्र लीजिए। फिर रानी रत्नावती और उसकी सहेली उस इत्र को देखने आ रही होती है। अरे मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रानी रत्नावती आई है हमारी दुकान पर। अरे वाह अरे वाह, रानी रत्नावती मैंने आपके लिए सबसे सबसे खुशबूदार इत्र बनाया है। लीजिए रानी रत्नावती, आपके लिए सबसे खुशबूदार इत्र, वो भी मुफ्त में। तो फिर रानी रत्नावती को ये मुफ्त की बात सुनकर और खुशबूदार और इतना अच्छा इत्र देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। रानी रत्नावती की सहेली कहती, अरे रानी रत्नावती जल्दी से ये इत्र ले लो मुफ्त में, वो भी इतनी सुंदर डिबिया में, ले लो ले लो, ये टाइम मतलब ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो फिर अपनी सहेली की बात सुन के रानी रत्नावती वो इत्र के लिए राज़ी हो जाती है। ठीक है, आप मुझे ये वाला इत्र दे दीजिए। तो फिर पंडित मन ही मन खुश हो रहा होता है। तो फिर रानी इत्र लेकर अपनी सहेली के साथ चली जाती है। तांत्रिक बोलता कि अरे वाह, रानी रत्नावती ने आखिर मेरा बनाया हुआ काले जादू का इत्र ले ही लिया। अब वो रात को इत्र जब सूंघेगी तो मेरे पास खींची चली आएगी, हा हा हा, क्योंकि जो भी उस इत्र को लगाएगा और मतलब पूरे उसके शरीर में फैलेगा तो वो मेरे पास खींचा चला आ जाएगा, हा हा हा। तो फिर क्या होता है, रानी रत्नावती को शक होता है कि इत्र मुफ्त और इतनी सुंदर डिबिया में, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो फिर वो रानी रत्नावती वो इत्र इतनी ज़ोर से फेंकती है, एक चट्टान पे जा गिरता है। चट्टान पे गिरने के बाद वो इत्र पूरी तरीके से चट्टान में फैल जाता है। फिर चट्टान हिल जाती है पूरी और तांत्रिक के पास, फिर वह तांत्रिक अपने बने की आखिरी सांसें गिन रहा होता है और कहता है, भानगढ़ कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा, यहाँ पर हर एक बच्चे बूढ़े हर मारे जाएंगे और इनकी आत्मा हमेशा इस भानगढ़ के किले में भटकती रहेगी, यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा और जो भी इस किले में आएगा वो बच नहीं पाएगा। तो फिर ये सब कुछ कहकर तांत्रिक मर जाता है। उसके बाद होना क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, भानगढ़ के राज्य में मुगल ने कब्जा कर लिया और कुछ औरतों ने भी रानी रत्नावती के कक्ष में आकर रानी रत्नावती की हत्या कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। तो तांत्रिक के इसी श्राप की वजह से पूरा का पूरा भानगढ़ तहस नहस हो गया और तब से आज तक
उस भानगढ़ के किले में रात को कोई वहाँ पर कदम तक नहीं रख पाता। वो अलग बात है अगर कोई जानबूझ के यूट्यूब्स वगैरह वीडियो बनाने के लिए करते हैं तो अब क्या तो बोले, वो उनका ही रिस्क होता है। पर कहावत है कि जो मैंने पूरी की पूरी भानगढ़ की रियल स्टोरी बताई वो एकदम सच थी। चाहे अगर आपको ये सच ना लगे तो आप गूगल और यूट्यूब में से देख लीजिएगा, गूगल में आप इसकी हिस्ट्री चेक कर दीजिएगा, पर ये पूरी की पूरी कहानी सच है।